अच्छा जी, जनाब को देखो, ऑफिस की छुट्टी वाले दिन भी मोबाइल में लग रहे हैं। इनको तो मैं बताती हूँ आज। आई मम्मी, अरे क्या है, मुझे झाड़ू से क्यों मार रही हो? क्या कर रही हूँ मैं? तुम मुझसे पिटने का काम जो करते हो, आज तुम्हारे ऑफिस की छुट्टी है ना? ये नहीं अपनी पत्नी के साथ मिलके घर का काम में हाथ बटवाऊं, यहाँ चारपाई पे पड़े पड़े फोन चला रहे हो। अब इस मोबाइल को छोड़ दो, और अगर आज नहीं छोड़ा ना तो इस मोबाइल को आज तोड़ दूंगी मैं। तो इस झाड़ू से तुम्हारे मार मार के पिछवाड़ा लाल कर दूंगी मैं। ले रख दिया, एक दिन तो मिलता है मुझे सप्ते में छुट्टी का, उसमें ही ना तू मुझे चैन से लेट कर फोन चलाने देती है और नहीं आराम से सोने देती है। बता क्या काम करना है तेरा? ये पकड़ो झाड़ू और सारे चौक में मार दो। ठीक है। अरे रुको, तुम ये झाड़ू मुझे दो। तुम्हें तो झाड़ू भी मारनी नहीं आती। ये पकड़ो राशन की लिस्ट और जाकर घर का राशन लेके आओ। ठीक है। काली पीली गुस्सा करती है, जब इसके मारता हूँ तो फिर अपने मम्मी पापा को बुला लेती है, या फिर अपने मम्मी पापा घर भाग जाती है, फिर दिक्कत मुझे ही आती है, सारा काम मुझे करना पड़ता है। एक काम करता हूँ, इसकी गुलामी करने में फायदा होगा। रामफल और रामफल, अरे कहाँ गया रामफल? ओ जाओ उसी शकल के, जब रामफल घर पे है ही नहीं तो जोर जोर से आवाज क्यों लगा रहा है? अरे चाचा, मुझे लगा वो घर पर है, जब ही मैं उसे जोर जोर से आवाज लगा रहा हूँ, तुम खाली पीली गर्म हो रहे हो मुझ पर। अरे तू आवाज मारने की तो छोड़, तू घर में इधर उधर क्या देख रहा था? अरे चाचा, मैं तो रामफल को देख रहा था। तू रामफल की बहू को देख रहा था? रामफल की बहू के साथ तेरा कोई चक्कर है? चाचा मेरी ऐसी आदत नहीं है कि मैं दोस्त की बहू पे नजर मारूं। अच्छा ऐसी आदत नहीं है तेरी, तो एक काम कर, वो कुर्सी पड़ी, कुर्सी ठाके ले क्या, दोनों बैठ के बातें करेंगे, जा। चाचा बैठ तो गया, अब उस रामफल को तो बुला लो, कहां पर है वो? ठीक है बेटा, अभी बुलाता हूँ। पर मैंने तुझसे झूठ बोला था, रामफल कहीं नहीं गया हुआ, रामफल घर पर ही है। अरे क्या कर रहे हो ये तुम, नरम नरम हाथों से पैर दबा रहे हो, टाइट टाइट हाथों से पैर दबाओ। अरे टाइट टाइट हाथ से तो पैर दबा रहा हूँ, पर एक बात बोली तुझसे, मेरा जैसा पति ना आज की दुनिया में तुझे कहीं नहीं मिलने वाला। हाँ ये बात तो तुम सही बोल रहे हो, तुम मेरे गुलाम बन कर ही रहते हो। रामफल। हाँ पापा जी। रामफल बेटा एक बार बाहर आ, तेरा दोस्त आया काड़ू तुझसे मिलने। अरे आ तो रहा हूँ पापा जी। अरे बेटा बाहर आना निकल के, पूरे दिन बहू के कमरे में पड़ा रहता है तू। अरे पापा आ तो रहा हूँ, 5 मिनट का सबर नहीं है, मैं अपनी बीबी से हाथ पैर तो दबवा लूँ। ठीक है, देख ले बेटा काड़ू मेरे रामफल की बहू को, पति की कितनी रेख देख करती है और उसके हाथ पैर भी दबाती है। अरे चाचा मुझे तो विश्वास नहीं होता रामफल की बहू पे कि उसकी देख रेख करती होगी, उसके हाथ पैर भी दबाती होगी। बहू तो मेरी है एक नंबर की, रामफल की बहू रामफल से ही पैर दबाती होगी, और मुझे पूरा विश्वास है कि वो पक्का बहू का गुलाम है। और चाचा तुझे मेरी बात पर विश्वास नहीं है ना, तो कमरे में जाकर देख ले तू। जब से तू मेरे बेटे के बारे में क्या बोल रहा है, मैंने शेर पैदा किया है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। अगर तू जाकर देख ले कौन किसके पैर दबा रहा होगा। ठीक है चाचा, अभी देख कर आता हूँ। अच्छा एक बात बताओ, तुम मेरे लिए क्या क्या कर सकते हो? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, एक बार बोल कर तो देखो। फिर अपने पापा का गला घोट कर मार दो, वो मुझे बहुत परेशान करते हैं। कभी चाय ला कर दो, कभी पानी ला कर दो, कभी हुक्का भर दो, कभी बीड़ी, कभी माचिस। तू पागल है क्या, मेरे बाप को मारने की बात कर रही है? मैं तुझे नहीं मार दू तेरा गला घोट कर। अच्छा जी बहू का गुलाम, अभी तेरे बाप को लेकर आता हूँ, फिर दिखाता हूँ तू क्या कर रहा है। अरे चाचा तू मेरे साथ चल, तुझको दिखाता हूँ क्या हो रहा है। अरे बेटा काड़ू पहले बात तो बता, क्या बात होगी? चाचा रामफल है ना अपनी बहू के हाथ पैर दबा रहा है। अच्छा जी ये बात है क्या? हाँ चाचा जी। अगर बेटा काड़ू तेरी बात गलत निकली तो आज तेरी खैर नहीं। तू मेरे साथ चल, फिर तुझे पता चलेगा गलत क्या है सही क्या है। ठीक है तो चल मेरे साथ। देख ले चाचा अपनी आंखों से क्या हो रहा है। अरे चाचा ये क्या हो गया, अभी तो रामफल अपनी बहू के पैर दबा रहा था, अब रामफल की बहू रामफल के पैर दबाने लग गई। बेटा काड़ू तुझसे बोला था ना
अगर तेरी बात गलत निकली तो आज तेरी खैर नहीं, तू चल बेटा मेरे साथ, तेरे को तो मैं बताता हूँ। चाचा मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। अच्छा माफ कर दू, तू नीचे पट, तू नीचे पट, माफ कर दू। चाचा मुझसे गलती हो गई, मुझको माफ कर दे। अरे चाचा मुझसे गलती हो गई, मुझको माफ कर दे। अरे चाचा गलती हो गई, माफ तो कर दे। अच्छा माफ कर दू, अगर तुझसे गलती हुई ना मेरे पैर पकड़ के माफी मांग, जब तुझको माफ करूंगा। अरे चाचा मुझसे गलती होगी, मैं अपने कान पकड़ता हूँ और पैर पकड़ता हूँ, और मुझे माफ कर दे। आई मम्मी, आई पापा, मेरा हाथ पैर तोड़ गया। आई, मैंने तो इंश्योरेंस भी नहीं करा रखा। आई, जो सरकार से क्लेम ले लू, अब की बार आ काड़ू। आई, तेरा मार मार के भूत ना बढ़ा दू तो। आई, अरे पापा क्या बात हो गई, ऐसे जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? अरे पापा मार क्यों रहे हो मुझे, पहले बात तो बताओ। अरे वो काड़ू तेरा दोस्त मेरे डंडे से तोड़ गया हाथ पैर। आई, और तू पूरे दिन बहू के कमरे में पड़ा रहता है, तुझे कुछ बाहर का दिखाई नहीं देता क्या कि बाहर क्या हो रहा है? अच्छा पापा ये बात है क्या, आपके मार के चला गया, उसको तो मैं पकड़ के लाता हूँ आपके पास में। काड़ू को तो आज मैं बताता हूँ, मेरे पापा का हाथ लगा के चल गया, उसको तो आज जान से मार दूंगा। काड़ू अगर तू मेरे छोरे के हाथ लग गया ना तो तुझे घर में ला के काड़ू को पीड़ा ना कर दू ना तो मेरा नाम बदल दियो। अरे पापा जी आपने मेरे उनको कहाँ भेज दिया? अरे भाऊ क्या बताऊं तुझको, वो रामफड़ का दोस्त था ना काड़ू, वो डंडे से हाथ पैर तोड़ के चला गया मेरे। अरे पापा जी वैसे तो आप अपने आप में शेर बने फिरते हो, और वो काड़ू पीट के चला गया आपको? शेर के पीछे से वार किया था उसने, अगर आगे से करता ना तो छोड़ता नहीं मैं उसको, और वो मेरे हाथ पैर तोड़ के चला गया, अगर रामफड़ के हाथ लग गया ना तो उसका मार मार के आज भूत बना देंगे। अरे यार ये काड़ू आज इस मोहल्ले में क्यों नहीं मिल रहा, अगर वो काड़ू नहीं मिला ना तो आज मेरे पापा मुझे बहुत मारेंगे, और कहीं भी नजर भी नहीं आ रहा इस गली में, मैं पार्क के पास जाकर देखता हूँ। अरे यार वो काड़ू तो पार्क में भी कहीं नजर नहीं आ रहा। अरे रामफड़ पार्क के बाहर किसकी बाइक के पास खड़ा है? अरे इस बाइक को भी ऐसी देख रहा है, लगता है इस बाइक को ये चोरी करने वाला है, अभी जाके इसके बाप को बता के आता हूँ। अरे भाई तूने काड़ू को कहीं देखा है क्या 5-10 मिनट पहले? नहीं भाई मैंने नहीं देखा। अरे यार आज ये काड़ू कहाँ चला गया जो मिल नहीं रहा, चल छोड़ बहुत ढूंढ लिया उस काड़ू को, तो बाप को तो झूठ बोल दूंगा कि मुझे काड़ू मिल गया और मैंने काड़ू को बहुत मारा, मेरी बीवी मेरा घर पे इंतजार कर रही होगी खाने के चक्कर में, सुबह से शाम हो गई उस काड़ू के चक्कर में ढूंढते ढूंढते, मैंने सुबह से पानी भी नहीं पिया। आ गया मेरा शेर बेटा। पापा आज मुझे बहुत गुस्से में नजर आ रहे हैं, मुझको झूठ बोलने में डर लग रहा है, कहीं सच का पता लग गया ना तो पापा आज मुझे बहुत मारेंगे। चलो कोई नहीं अब तो झूठ बोलना ही पड़ेगा पापा के पास जो आ गया। अरे बेटा तुझे काड़ू मिल गया था क्या, तू सच बताना उसके मारी या नहीं मारी तूने? काड़ू, काड़ू को तो पापा मैंने बहुत मारा, उसको गलियों में घिसड़ा घिसड़ा के मारा और उसका सर फाड़ दिया, उसके हाथ पैर तोड़ दिए, उसको मार मार के अधमरा कर दिया। और बेटा हो तो तेरे जैसा। अरे पापा एक साल से पहले तो काड़ू चार पाई से उठने वाला नहीं है। शाबाश बेटे शाबाश, तूने आज अपने बाप का सीना चौड़ा कर दिया, तू कुर्सी पे बैठ, तूने आज अपने बाप का बदला ले लिया, शाबाश। अरे रामफल तू पार्क के पास क्या कर रहा था? अरे इसने कहाँ देख लिया मुझे पार्क के पास। अरे बेटा क्या सोच में पड़ गया, चुप क्यों हो गया, वो तुझसे कुछ पूछ रहा है, बता उसको। कुछ नहीं पापा मैं कुछ नहीं सोच रहा, आप ही बता देना इनको कि मैं पार्क के पास क्या कर रहा था। ठीक है तो बेटा मैं ही बता देता हूँ, मेरा छोरा काड़ू को पीट कर रहा है पार्क के पास। काड़ू? अरे चाचा 5 मिनट पहले तो देखा है मैंने काड़ू, 10 मिनट पहले वो अपनी बीवी के साथ मार्केट जा रहा था शॉपिंग करने। अबे ओ टमाटर की शक्ल के, बड़ी पूछताछ कर रहा है तू, निकल यहाँ से। अरे जा रहा हूँ। वैसे चाचा तुम्हारे लड़के ने कहीं नहीं मारी काड़ू के, ये झूठ बोल रहा है तुमसे। मेरी सास के तूने मुझसे झूठ बोला है? तुझको तो मैं बताता हूँ अभी रुक।
अरे बाबा रहने दे, 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 आई बाबा रहने दे, अरे बाबा रहने दे। तूने मुझसे झूठ बोला, अगर वो लड़का नहीं आता ना तो मुझे पता नहीं चलता। अरे पापा, मैंने वो कालू को पूरे मोहल्ले में ढूंढा, वो मुझे कहीं पर भी नहीं मिला। तूने मुझसे झूठ क्यों बोला कि कालू को मार कर आया हूँ मैं? अरे पापा, मैंने उसको नहीं मारा, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। निकल यहाँ से। अरे देख क्या रहा है मेरा चेहरा, निकल यहाँ से मेरे घर से बाहर, निकल। अरे पापा, मैं कहाँ जाऊंगा घर छोड़ कर? अभी जा रहा है तुझको और मारू। ठीक है पापा, जा रहा हूँ। आई मम्मी, मेरा बहुत मारा, मेरा हाथ भी तोड़ दिया। आई मम्मी मत कर, निकल जा मेरे घर से बाहर, आज के बाद दिखाई मत दीजिए मेरे घर के पास में, समझ गया? निकल, देख क्या रहा है, निकल। अरे पापा जी, आपने मेरे उनको कहाँ भेज दिया? तू क्या पूछ रही है, तुझको ज्यादा प्यार आ रहा है, तू भी चली जा उसके साथ में। अरे पापा जी, मैं कहीं नहीं जा रही घर छोड़कर, मेरे पति को मरने दो कहीं भी, मुझे क्या मतलब है। आप शांत हो जाओ, मैं आपके लिए चाय बनाकर लेकर आती हूँ। अरे कालू, आज तो तेरी वजह से पहली बार पिटना पड़ गया मुझे, आज तू कहीं भी मिल गया ना भाई, तुझे जान से मार दूंगा। आ गए मुझे, ये चला था कालू को पीटने, खुद की सेवा हो गई। सारा तुम रुको, तुमने मेरे बाप के सामने पोल पट्टी खोल दी, तुमको तो मैं बताता हूँ। और ऐसी वीडियो आती रहेगी और जाती रहेगी। टोल 09 हमारा चैनल है, उसे सब्सक्राइब करो और हमारी वीडियो में एक से एक कंटेंट आते हैं। वाओ 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 व